एम के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है साथियों। 6 सितंबर 2021 को भोपाल से एक न्यूज़ जारी हुई है, आइए इस न्यूज़ का हम अध्ययन करते हैं। एमपी न्यूज़, कर्मचारियों के प्रमोशन में क्या दिक्कत है जब 27% ओबीसी आरक्षण दे सकते हैं, आइए इस न्यूज़ का हम अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने करीब 5 साल पहले शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रमोशन रोक दिए थे। हाल ही में शिवराज सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी को देने का ऐलान किया है। कर्मचारी एवं अधिकारियों का सवाल है कि यदि कोर्ट के स्थगन के बावजूद 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है तो फिर कर्मचारियों के प्रमोशन में क्या दिक्कत है। प्रमोशन में आरक्षण का विवाद तो केवल रिजर्वेशन रोस्टर तक सीमित है। दिया है कर्मचारी संगठन 27% आरक्षण ओबीसी के फैसले की तर्ज पर और पदोन्नति नियम 2002 को आधार बनाते हुए कर्मचारी प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट के 30 अप्रैल 2016 के जिस फैसले को आधार बनाते हुए पदोन्नतियाँ रोकी गई थी वह सिर्फ पदोन्नति नियम 2002 के रिजर्वेशन रोस्टर तक सीमित है, बाकी पदोन्नति अभी भी यथावत है। हाईकोर्ट के फैसले की शब्दंश व्याख्या नहीं है कि प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता रविनंदन सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले की शब्दंश व्याख्या नहीं होने के चलते पदोन्नतियां रोकी गई हैं। उस फैसले के पैरा 27 में स्पष्ट है कि पदोन्नति नियम में रिजर्वेशन बैकलॉग रिक्तियों को कैरी फॉरवर्ड करना एवं रोस्टर के ऑपरेशन के प्रावधान संविधान के विरुद्ध हैं, बाकी नियम के जरिए पदोन्नति की जा सकती है। कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए महाधिवक्ता से परामर्श मांगी सरकार। दिया है सरकार यदि इस मामले में भी महाअधिवक्ता के अभिमत का रास्ता निकाले तो 5 साल से रुकी पदोन्नतियां दोबारा शुरू हो सकती हैं। बता दें कि प्रमोशन पर रोक के चलते बीते 5 साल में 1 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए रिटायर्ड हो गए। पदोन्नति शुरू नहीं हुई तो हर साल 7 से 8 हज़ार कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड होते रहेंगे। मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर दे सकते हैं प्रमोशन। हाल ही में सरकार ने महाधिवक्ता से अभिमत लेकर ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया है। उसने कहा है कि हाईकोर्ट ने 3 विभागों से संबंधित 6 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27% आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई है। ऐसे में ये रोक सिर्फ 3 विभागों की 6 याचिकाओं से संबंधित है, ना कि सभी विभागों की, इसलिए इन्हें छोड़ बाकी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। सरकार को यह फैसला लेने में इसलिए भी देरी हुई है क्योंकि 19 महीने पहले बनाए गए कानून के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इस बारे में जब महाअधिवक्ता से अभिमत लिया गया तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता भी ऐसे ही निकल सकता है क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ रिजर्वेशन रोस्टर पर रोक लगाई है, ना कि पदोन्नति नियमों पर। इस लिहाजा से भर्ती के आधार पर सभी वर्गों के कर्मचारियों को मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिया जा सकता है।